वापी खाते लाश ने कार साथे सळगावी देवाना चकचारी प्रकरण में दमणनी सरकारी कॉलेज महिला प्रिंसिपाल की हत्या कॉलेज एकाउंटंटे ज करी होवानो खुलासो थयो हतो। सेलवास में रहता अने दमणनी सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल तरीके फरज बजावता कनीमोची मुरुगेमीना दमण में हत्या करी तेमनी लाश ने वापी शहर पासे सळगावी देवामां आवी हती। आ प्रकरण में पोलीसे नर्सिंग कॉलेज एकाउंटंट सावन पटेल की धरपकड़ करी हती। पोलीस पूछपरछ में नर्सिंग कॉलेज में नाणाकीय गैररीति बाबते प्रिंसिपाल कनीमोची एकाउंटंट सावन पटेल पासे जवाब मांग्यो हतो। नाणाकीय गैररीतिना कौभांड में वधु कार्यवाही थवाना डरे एकाउंटंट सावन पटेले प्रिंसिपाल कनीमोची पासे कार में लिफ्ट मांगी तेनी ज कार में तेनी हत्या कर्या बाद वापी नजीक महिला प्रिंसिपाल कनीमोची लाश ने कार नीचे ज सळगावी दीधी हती। आ बनाव अंगे पोलीसे अत्यारे सावन पटेलनी धरपकड़ करी वधु तपास हाथ धरी छे। माइक लगा सभी को। आज दमन एंड दीव पुलिस एंड काकड़ डीएनएच पुलिस से मिलकर एक जो मिस्ट्री थी जो प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज दमन श्रीमती कनीमोती अरुमुगम जो 28 तारीख से मिस हो गई थी सलवासा नगर के एरिया से, उनकी जो खोजने की थी पूरी प्रोसेस वो कंप्लीट कर लिया। एंड इस मामले में हमने उनकी व्हीकल और साथ में उनकी जली हुई जो डेड बॉडी है वो हमने रिकवर करी है। मामला पूरा इस प्रकार से है कि 28 तारीख को मैं सलवासा जटोका खाड़ा में उनका घर है नसल कॉलोनी गवर्नमेंट क्वार्टर वहाँ से निकली थी कॉलेज के लिए दमन में, एंड फिर वो मिसिंग हो गई थी। 1 तारीख को जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली इसके रिगार्डिंग तो हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके इसके बाद इसमें इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसमें दमन पुलिस की टीम एंड DNH पुलिस की टीम ने मिलकर एक मैसिव ह्यूमन सर्च ऑपरेशन की तैयारी करी। साथ ही हमने मल्टीपल CCTV कैमरा फुटेज कई जगह की लोकेशन ट्रैक करी, एंड फाइनली जब हमारी इंक्वायरी में ये निकल के आया कि ये एक्चुअली किडनैपिंग है तो उसके बाबत हमने एक FIR रजिस्टर करी पुलिस स्टेशन सलवासा में CR नंबर 60 अंडर सेक्शन 365 एंड 346 IPC। इसके बाद हमने अक्यूज पर्सन नाम सावन पटेल को अरेस्ट किया, एंड जब उसको इंटरोगेट किया तो पता चला कि सावन पटेल ने कुछ मिसमैनेजमेंट कर रखा था फंड्स का, मैथ कमेटी का और एडमिशन प्रोसेस का, जिसके रिगार्डिंग मैम उससे इंक्वायरी कर रही थी और उससे पूछताछ कर रही थी। उसको इस बारे में डर लगा तो उसने प्लान किया मैडम का मर्डर करने का। 28 तारीख के दिन जब मैम यहाँ से निकली और फोर्ट एरिया में पहुँची तो उसने मैम को रोका, गाड़ी को रोका एंड अंदर गाड़ी के अंदर बैठ गया। इस बहाने की मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे फंड कहाँ का यूज़ हुआ है। वहाँ पे उसने फोर्सफुली मैम को किडनैप करके अपडेट करके मर्डर किया, देन उसी गाड़ी में सेम डेड बॉडी को पीछे से शिफ्ट किया एंड गाड़ी को सीधा वापी गुजरात का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जाके पार्क कर दिया। वहीं पर उसने फिर गाड़ी को जला दिया। ये सब चीज़ उसने हमारे सामने कन्फेस करी एंड उसी के इंस्टांस पे हमने व्हीकल और डेड बॉडी को रिकवर कर लिया है। मणिमारन फ्रॉम पांडिचेरी, माय वाइफ डॉक्टर कनिमणि, डॉक्टर ए कनिमणि, MSc PhD प्रिंसिपल इन श्री विनोबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन सिलवासा वर्किंग फॉर 4 years. But she is working in here in Silvassa 3 years. Some persons transferred to Daman, same college, for 1 year. But they didn't provide for her any car facility or a driver facility with her. So she went for separately with her own car for 1 year to Daman, for from Silvassa to Daman 30 kilometer. Regularly she traveled. Separately morning and come back from evening. Regularly she is doing. She says a principal, so she is talented lady. She is bold lady. Each and everyone knows her career was very well. But somebody accountant in her college with some people behind them make some false information about her, make her name destroy her name. That's why
Sisterling, I gave 5 lakhs rupees to her and escaped from that money. But my wife is earning 1 lakh per month. She is MSc PhD. She is finished MSc PhD and also going to finish the extracurricular activity. What is this? Postgraduate. If she finishes her curricular, she get only 2 lakhs rupees. That is not a matter to her. 5 lakhs rupees, it is not a matter to her. For month, she is getting 1 lakh rupees as a salary. If she finishes her additional 2 lakhs rupees, she will get postgraduate duty. Postdoctorate duty. She is going to finish now. But some people, accountant and vice principal and some unwanted people, they don't want to be here as a principal, to work here as a principal. They give so many problems to her.